हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहले आपके लिए लाया पर हूँ एक और नया पबजी मोबाइल का गेम प्ले। जिन बंदों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और आज हम उतर रहे हैं पोचिंग की। पहुंचेंगे मुझे एक साथ अब हम खेलना पोचिंग है की उतरते हैं क्योंकि यहाँ ड्रॉप हो रहा होता है, यहाँ बंदे आते भी हैं। अब मैं उतरता हूँ, पहले तो इस घर में लूटता हूँ उस घर को। यहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं मिलता, एक बंदूक तक भी नहीं मिलती यहाँ पर मेरे को। पूरा घर झाड़ता हूँ मैं, मेरे को एक बंदूक भी नहीं मिलती यहाँ पर। फिर मैं देखता हूँ तो मेरा नीचे टीममेट पहले से लूट रहा होता, तो फिर मैं यहाँ से निकल के दूसरी बिल्डिंग में जाता हूँ। दूसरी बिल्डिंग में जाती है मेरे को अच्छी गन्स मिल जाती हैं और ए के एम भी मिल जाती है। ऊपर जाते ही ए के एम मिलती है मेरे को, सामने वाले घर में फुटस्टेप आ जाते हैं और बंदा भी दिख जाता है, वो नीचे घर लूट रहा होता है। फिर मैं उसको ध्यान से देखता हूँ पहले तो कि वो ऊपर आएगा तो आराम से एंगल लेके मारूंगा मैं पहले गोलियाँ चलाता नहीं हूँ। अब जैसे ही मेरे को ढंग का एंगल मिलता है मैं उसको मारता हूँ, अच्छा स्प्रे डाल देता हूँ पूरा ए के एम का और वो नॉक भी हो जाता है। उतने मैं नीचे जाता हूँ तो मेरे को बोर्ड दिखता है, बोर्ड तो कोई दिक्कत नहीं है पर जो बोर्ड के जो लेफ्ट साइड वाला घर है वहाँ पे एक बंदा मेरे को और दिख जाता है। अब इसे ऊपर जाके देखता हूँ, ये ऊपर मेरे को दिखता तो है नहीं है, घर ऊपर तो होगा दिखता अरे नहीं। फिर मैं इसमें सोचता हूँ गैप नीचे है ही तो होगा, नीचे जाता हूँ तो मेरे को फुटस्टेप हो जाते हैं, एक बंदा और एंटर हो रहा होता है हमारे घर में। इसलिए मैं गेट पर लगा के पहले ही बैठ जाता हूँ, मेरे को वहीं से फुटस्टेप आ रहे होते हैं और एकदम से फिर पीछे से ही फुटस्टेप आते हैं, वो बंदा पीछे घूम जाता है पूरा। अब यहाँ वो मुझे दिख गया था, मुझे पता था कि यहाँ से वो खिड़की से एंटर होगा और एंटर होते मैं उसको मार दूंगा। और वैसे मैं इसको मार भी देता हूँ क्योंकि इसके पास कुछ होता भी नहीं है, एक पिस्टल ही होती है, पिस्टल से क्या ही मारेगा मेरे को ये, क्योंकि मेरे हाथ में एक एम थी। इन दोनों टीममेट को मारने के बाद जो इनका थर्ड टीममेट होता है वो भी मेरे पे रश कर देता है। अब इसको ही मार देते हैं, उसका पूरा फिनिश भी डाल देता हूँ मैं। अब इनके सिर्फ एक लास्ट टीममेट ही बचा होता है, ये तीन बंदे इनके ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। और जो लास्ट टीममेट होता है वो भी मेरा कहीं होता बैठा होगा, वो में मेरा आ टीममेट मार गया देता है और इनका स्क्वाड पूरा वाइप आउट हो जाता है यहाँ पर। अब इनको मारने के बाद एक टीम और आ जाती है यहाँ पर, मेरा टीममेट उनसे फाइट कर रहा होता है, एक प्लेयर उनका नॉक भी कर देता है और पूरा फिनिश भी कर इतना देता नॉक है। कर दे इसका मतलब और इनका इनके देख बाकी रहा के हूँ टीममेट भी यहीं होते हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। और मैं जैसे ही लूट कर रहा होता हूँ, लूट करते करते सामने से बंदा आता है, मैं इसको आराम से मार देता, पर जैसे इसको मैं मारने जाता हूँ जो इनका पीछे एक और बंदा बैठा होता है बिल्कुल आराम से कैंपिंग कर रहा होता है, बिल्कुल हिल नहीं रहा होता बिल्कुल भी, बिल्कुल फुट्स देता ही नहीं है, और वो मेरे को पीछे से नॉक कर देता है। पर उसी टाइम मेरे दोनों टीममेट्स भी आ जाते हैं और इन दोनों हाँ बंदे मैं को मार उसी देते को हैं देख और रहा इनके था साथ ही मैं हम इनकी स्क्वाड वाइप कर देते हैं यहाँ पर। फिर हम पोचिंग की में ज़्यादा सारे बंदे ख़त्म हो जाते हैं और पोचिंग की तो से मैं निकल वही जाते कहूँगा हैं। ना कि फिर बढ़िया हमें कहीं गाड़ी मिलती नहीं है, हम रोज़ों तक भी आते हैं हमें कहीं गाड़ी मिलती नहीं है रस्ते में। फिर आगे जाके हम यहाँ पर ड्रॉप भी मिलता है, हम तो ड्रॉप भी बढ़िया लूटते बढ़िया हैं, ड्रॉप में बढ़िया ओम होती है वो मेरा टीममेट ले देता है। और आगे जाके ना फिर यह काफ़ी दूर घर होते हैं, यहाँ पर भी एक गैरेज होता है, यहाँ पे मेरे को दूर से गाड़ी ग्लिच हो जाती है स्कोप लगा के देखता हूँ तो। मैंने कहा चलो यहाँ से गाड़ी लेके आता हूँ, मैं अरे अकेला ही हमारी जाता गाड़ी हूँ, वहीं पे जब वहाँ है गाड़ी लेने जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे स्क्वाड हाउस में बंदे भी दिख जाते हैं और मेरे गाड़ी टीममेट्स भी देखी यहाँ है नहीं मैंने होते। एक मैं बंदा वहां उनको पे टीममेट्स को बताया था वैसे कि यहाँ पे मतलब बंदे हैं यहाँ पर जहाँ पे मैं गाड़ी लेने आया हूँ। तो मेरे टीममेट्स होते हैं वो मेरे से थोड़ा दूर होते हैं, वो कहीं और गाड़ी ढूंढने गए होते हैं, तो उसके मेरे टीममेट के बाहर एक ओम होती है, तो ओम से वहाँ पे स्कोप लगा के देख रहा होता है जहाँ मैं उसको बताया था, तो यहाँ पे वो एक बंदा ओम से नॉक भी कर देता है। अब नॉक करते ही तो मैं यहाँ पे अरे फटाफट आगे घुस जाता यहाँ हूँ, के घर में मैं यहाँ से सीमेंट्री में आ जाता हूँ, एक डायरेक्ट लोकेशन स्क्वाड्स में मिल नहीं रहा जाता था क्योंकि ये मतलब पूरे उनसे चार बंदे ही होते हैं, तब तक मेरे टीममेट्स भी मेरे क्लोज आ जाते हैं। तब तक मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि एक ग्रेनेड करता हूँ, ग्रेनेड कुक करके मैं घर में फेंकता हूँ, आपको देखी नहीं पर कहाँ ग्रेनेड से कोई पे बंदा नॉक होता नहीं है। यहाँ तो उस तरफ यहाँ पे एक चलेंगे नीचे मैं मेरे को उस बंदा तरफ दिख जाता है चलेंगे उतरते हुए। यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है मेरे साथ, बहुत बड़ा सीन हो जाता है कि मेरा कनेक्शन ही नहीं आ रहा होता, इतनी गोलियां डालता हूँ एक क्या बंदे पे बोल वो रहा हूँ नॉक ही आप नहीं हो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद मेरे को कनेक्शन नॉक भी भी बढ़ लिखा रहा जाता है है यहाँ पर, मेरा पूरा कनेक्शन चला जाता है बिल्कुल यहाँ पर, 968 कनेक्शन आ रहा होता है। अब मैं जाता हूँ बिल्कुल स्क्वाड हाउस पे, स्क्वाड हाउस से डायरेक्ट मैं एकदम से पहुंच जाऊंगा सीमेंट्री के अंदर, मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं एकदम से कहाँ पहुंच गया, मेरा कनेक्शन नहीं आ रहा होता बिल्कुल भी। ये भी तब तो कहाँ मेरे पे टीममेट आप फाइट कर रहे होते हैं, वो बंदे नॉक डॉक कर देते हैं, अब उनके दो ही बंदे बचे होते हैं। यहाँ पे मेरी मैं लोडिंग तो चल मर रही होती है, गया मैं कुछ कर मर ही नहीं गया सकता, हिल ही नहीं पा रहा होता बिल्कुल भी। अब एक बंदा छत ये से कूदता, बंदा छत से कूदते ही मैं इसको मार देता हूँ और ऊपर भी बंदा मेरे को यहाँ दिख जाता है, जब तक मैं इसको मारता तो मेरा टीममेट छत पे घुस जाता है और छत नहीं पे कहाँ घुसते ही उस बैठा बंदे को ही होगा मार यार देता है। अब चला यहाँ पे इनका गया पूरा स्क्वाड आउट हो जाता है, अब इनको लूट वूट करते हैं, लूट वूट करने के बाद जो चला आगे गया वाटर चला गया सिटी में भी गोलियां आ रही होती है वाटर सिटी से, तो फिर हम यहाँ से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इनको गोलियां वोलियाँ उठाते हैं बस यहाँ पे, थोड़ी बहुत एमओ एम लेते हैं, एमओ लेने के बाद हम डायरेक्ट वाटर सिटी में गाड़ी ले जाते हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं कि बंदे कहाँ पे हैं क्योंकि यहीं से फायरिंग आ रही होती है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होती बंदे की। फिर मैं जिस साइड गाड़ी रोकता हूँ कि वहाँ से गोले हमसे सामने से गोलियां आने लग जाती हैं, मैं तो यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत टैग देने की कोशिश करता हूँ बंदे के ऊपर, वो छुप जाता है और मेरे टीममेट को नॉक भी कर देता है, पर वो सेफ होता है क्योंकि वो गाड़ी के पीछे होता है, वो आराम से बचा लेगा उसे। यहाँ पे मेरे को बंदा दिखता तो मैं यहाँ पे पहले ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ कि ग्रेनेड करता हूँ यहाँ पे ना, क्या पता नॉक हो जाए वो, क्योंकि मेरे जो थर्ड टीममेट है वो उसको रिवाइव कर रहा है क्योंकि हमारा पहले वाला टीममेट नॉक है।
अब यहाँ पे एकदम से दूसरा बंदा भी लेफ्ट साइड से पूरा फ्लैंक मार के मेरे दूसरे वाले टीममेट को भी नॉक कर देता है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई और चारा नहीं रहता तो मैं यहाँ पे फाइट नहीं करता, फाइट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मैं आउट हो गया तो पूरा स्क्वाड आउट हो जाएगा हमारा। इसलिए मैं पहले आराम से थोड़ा बैकअप चले जाता हूँ, बैक जाने के बाद अपने टीममेट के पास जाता हूँ और उसको रिवाइव करता हूँ। जब तक मैं यहाँ आता हूँ मेरे को काफ़ी गंदा अटैक हो जाता है, मेरी ऑलमोस्ट 1 HP होने वाली होती है अगर और गोली पड़ जाती है एक दो तो मुझे। पर यहाँ मैं बच जाता हूँ तो मैं पत्थर पे आता हूँ और पत्थर पे यार में आने पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ। वो यहाँ पे हमें ग्रेनेड वेनेड कर रहे होते हैं पर हम यहाँ पे मैं अपने टीममेट्स को बचा लेता हूँ दोनों को, दोनों टीममेट्स बच जाते हैं हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पे वो भी हील करता है, मैं भी हील करता हूँ। हील करने के बाद यहाँ पे एक स्मोक डालते हैं, स्मोक डालने के बाद अपने टीममेट को बचाते हैं। यहाँ मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने के बाद अपने दूसरे पहले वाले टीममेट के पास चला जाता हूँ दोबारा। हम सोचते हैं कि अब यहाँ पे क्या करें क्योंकि आगे ही बंदे होते हैं और हमारे राइट साइड भी बंदे होते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे 2 स्मोक डालता हूँ जिससे थोड़ा हम आगे बढ़ सकें क्योंकि यहाँ पे पत्थर पे हम सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बंदा क्लोज हुआ और एक ग्रेनेड भी कर दिया तो हम यहाँ पे तीनों ही आउट हो जाएंगे बिल्कुल ही, क्योंकि हम एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। अब जैसे ही यहाँ पे स्मोक बनता है तो हम दोनों आगे निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम काफ़ी आगे आ जाते हैं स्मोक की मदद से और आगे आगे हमें एक बंदा भी दिख जाता है। इस बंदे को मार देते हैं, पूरे ख़त्म कर देते हैं। अभी इन स्क्वाड का हमने सिर्फ एक बंदा ही खत्म किया, अभी इनके 3 बंदे पूरे जिंदा हैं पर उनकी लोकेशन हमें पता नहीं है कहाँ पे के बैठ के कैंपिंग कर रहे हैं क्योंकि घास ही घास है चारों तरफ, कहीं भी लेट गए होंगे या पेट का कवर लेके बैठ गए होंगे। फिर वहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं, आगे निकलने के बाद हमें यहाँ पे एक बंदा और दिख जाता है, इसको भी मेरा टीममेट मार देता है। फिर मेरे को यहाँ पे लग रहा होता कि डाउट कि आप स्क्वाड हाउस में ना बंदे हो, इसलिए मैं थोड़ा स्क्वाड हाउस की तरफ ही चले जाता हूँ, स्क्वाड हाउस के यहाँ पे वॉल पे बैठ जाता हूँ जाकर। पर यहाँ पे मेरे को कोई फुटस्टेप नहीं आते और यहाँ पे मेरे को बंदा कोई शूट भी नहीं करता क्योंकि यहाँ पे अगर खिड़की से बैठा होता तो मेरे को शूट कर देता। इतने मेरे को सामने बंदा दिख जाता पेड़ पे, मैं लेफ्ट साइड थोड़ा स्क्वाड हाउस की तरफ जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे बंदा दिख जाता है, इसको पता नहीं चलता कि मैं इतना घूम के आ गया हूँ, आराम से खड़ा होता है पेड़ पर। अब इसको तो नॉक कर देते हैं, नॉक करने के बाद इनका लास्ट एक बंदा ही बचा होता है, वो भी यहाँ पे लेटा होता है, मुझे शूट करने लग जाता है। मुझे शूट करते करते मेरे को इसका दिखता तो है नहीं है, जब तक दिखता तो मुझे नॉक कर देता है ये, तो मेरा दूसरा टीममेट होता है वो उसको नॉक मार देता है, उनका पूरा स्क्वाड वाइप आउट हो जाता है। यहाँ पर यहाँ पे मुझे नॉक जरूर कर देता है पर हम इनको मार देते हैं आराम से। फिर यहाँ पे रिवाइव होता हूँ मैं, रिवाइव होने के बाद हम यहाँ पे निकल जाते हैं क्योंकि हमें जोन में भी जाना होता है। फिर वहाँ से हम यहाँ पे जोन में आते हैं, जोन के आगे जो ये रोज़ों के आगे घर होते हैं यहाँ पे हमें एक बग्गी दिखती है, अकेले ही बंदा होता है यहाँ पे बग्गी भगा रहा होता है तो हम भी उसके पीछे गाड़ी लगा लेते हैं और भगा रहे होते हैं। यहाँ पे मेरे से थोड़ी गलती ड्राइव हो जाती है, यहाँ पे मैं वॉल पे ठोक देता हूँ जब तक वो ब्रिज भी क्रॉस कर देता है और जब तक हम ब्रिज पे पहुँचते हैं हमारा यहाँ पे पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है। पेट्रोल ख़त्म होने के बाद फिर हमें यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है आगे और यहाँ से बग्गी वाला भी निकल रहा होता निकल गया होता है तो हम सोचते हैं कि चलो यहाँ पे तो निकल गया, वो रुका ही नहीं यहाँ पर। फिर सामने गाड़ी होती है, यहाँ पे मेरा टीममेट निकल जाता है बाइक लेके, गाड़ी लेके आएगा यहाँ पर। हमें डाउट होता है कि क्या पता ऊपर जाके ना बैठ गया हो, फिर हम ये भी सोच रहे होते हैं कि अकेला ही है, अकेला क्या पता निकल ही गया होगा बग्गी लेकर क्योंकि उसे थोड़ा पता कि हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया है। फिर जैसे हम दूसरी गाड़ी लेके आते हैं, हम यहाँ पे गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी में बैठते ही वो ऊपर भी होता है, ऊपर से शूट करता है इतना गंदे तरीके से और हमारा एक टीममेट नॉक भी कर देता है, अकेला ही होता है इसलिए हम इसको मार देते हैं पर हमारा टीममेट नॉक कर देता है। चाहे तो थोड़ा और भी ढंग से खेलता तो हमें पूरा ही मार सकता था क्योंकि हमें बिल्कुल भी उसकी लोकेशन का जज नहीं होता, बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो ऊपर बैठा भी होगा। अब यहाँ पे एक सीन और कर देता है मेरा टीममेट, यहाँ पे स्मोक डालनी होती है, वो स्मोक की जगह यहाँ पे ग्रेनेड फेंक देता है, मेरा जो टीममेट नॉक होता है उसको मैं रिवाइव कर रहा होता हूँ, यहाँ पे वो पूरा ही ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे ज़्यादा बंदे बचे नहीं होते, सिर्फ 3 बंदे ही बचे होते हैं तो फिर हम ऊपर आते हैं, ओम ओम ले लेता हूँ। ओम ओम लेते ही जो सामने घर होते हैं यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है, मैं यहाँ पे टैग भी देता हूँ और अपने टीममेट को भी बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक बंदे को टैग दिया है। फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे अभी ये क्या पता 2-3 बंदे ही होंगे, पूरे क्या पता 3 बंदे हो, इसलिए मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तू यहाँ पे आराम से स्नाइपिंग वाइपिंग कर, मैं यहाँ से निकलता हूँ जब तक अकेला जाके वहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ से मैं बग्गी लेता हूँ, बग्गी निकल निकल जाता हूँ यहाँ से, थोड़ा मैं आराम से जाता हूँ कि डायरेक्ट घुसाता नहीं हूँ वहाँ पे बग्गी को कि यहाँ पे ज़्यादा बंदे हुए तो मेरे को मार देंगे क्योंकि मेरा टीममेट काफ़ी दूर है, मेरे को कवर नहीं दे पाएगा इतनी दूर से, इसलिए मैं पूरा राइट साइड घुमाता हूँ। राइट साइड से जो यहाँ पे घर होता है यहाँ पे वॉल पे रोकता हूँ मैं, वॉल पे रोकते ही मेरे को सामने दोनों बंदे दिख जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ आता हूँ मेरे हाथ में बंदूक ही नहीं होती, मैं इनको पहली बार में शूट ही नहीं कर पाता तो जैसे मैं बंदूक लेता हूँ इन दोनों को बंदों को एक स्प्रे में ले जाता हूँ, पर जो लास्ट वाला बंदा होता है उस पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, स्प्रे थोड़ा हिल जाता है मेरा और गोली रह जाती है, एक ही रह जाती है रिलोड के लिए, तो मैं गोली रिलोड नहीं करता, मैंने कहा ये गोली एक भी मार देता हूँ, उसकी काफ़ी कम HP होती है मेरी, एक गोली से ही नॉक हो जाता है। अब ये लास्ट बंदे को भी हम मार देते हैं और हमारा चिकन डिनर हो जाता है आसानी से। अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली नई वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।